वेलकम टू बायोफिजिक्स जोन। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फंक्शन ऑफ एचसीएल इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर एचसीएल का क्या फंक्शन है, ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर एचसीएल का क्या फंक्शन है या एचसीएल किस तरह हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं, इट creates acidic medium in our stomach। ये क्या करता है, सबसे पहले ये acidic medium create करता है हमारे stomach के अंदर, जिससे क्या होगा, then pH change हो जाएगा in our stomach। हमारे stomach के अंदर pH change हो जाएगा, उसके बाद क्या करता है, इट हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। ये क्या करता है, एंजाइम के एक्टिवेशन में हेल्प करता है। कैसे, एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, ठीक है, ये क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिनोजन, ठीक है। जब पीएच चेंज हो जाएगा अराउंड 1.2 से 1.6, ठीक है, तो क्या होगा, पेप्सिनोजन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसके अंदर, पेप्सिन एंजाइम के अंदर, ठीक है। और ये क्या होती है, एक्टिव फॉर्म होती है, और ये पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करेगा, ओके। इसके अलावा क्या करता है, इट किल्स हार्मफुल पैथोजन लाइक बैक्टीरिया। थर्ड इंपॉर्टेंट काम क्या करता है ये, अगर हमारे स्टमक के अंदर कोई हार्मफुल पैथोजन बैक्टीरिया वायरस के फॉर्म में जाता है तो उसको क्या कर देता है, एचसीएल उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको किल कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, इट एक्ट्स एज द प्रिजर्वेटिव फॉर फूड। ये क्या करता है, हमारे फूड को क्या करता है, गलने सड़ने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है, ठीक है। तो हमने फोर इंपॉर्टेंट फंक्शन मेंशन करे, एक बार फिर देख लेते हैं। एचसीएल क्या करता है, हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, स्टमक का पीएच चेंज हो जाएगा, जो स्टमक के अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर एंजाइम है और वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, डाइजेशन ऑफ द, डाइजेशन हो जाएगा किसका, फूड का, ठीक है। कैसे, ये क्या करता है, पेप्सिनोजन होता है एंजाइम, वो होता है इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन, ठीक है। जब पीएच चेंज होगा, मतलब जब स्टमक की जो वॉल होती है एसिड निकालेगी, तो क्या हो जाएगा, ये जो पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम चेंज हो जाएगा किसके अंदर, पेप्सिन एंजाइम के अंदर, और ये पेप्सिन एंजाइम किसमें हेल्प करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन, अगर कोई पैथोजन माउथ से, ठीक है, यहाँ से बच के हमारे स्टमक के अंदर जाता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, अगर ये क्या करेगा, बैक्टीरिया या कोई वायरस अगर पैथोजन की फॉर्म में गया है, क्या करेगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट होने से क्या करेगा, उन पैथोजन को क्या करेगा, किल कर देगा। और सबसे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या करता है, ये जैसे प्रिजर्वेटिव ऑफ द फूड, फूड को क्या करता है, प्रिजर्वेशन का काम करता है, मतलब ये क्या करता है, फूड को गलने सड़ने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है।